टैटू दिखाइएगा किस तरह से भाई ओम भाई सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। जब से पता चला है कि ओम यादव ने अखिलेश यादव का टैटू बनवाया है, आज भी हमारे शेर इसी मऊ की धरती घोसी की धरती पर आकर दहाड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम किया है। जिनके पास काम ही नहीं हो क्या बोलेंगे? वो हिंदू मुसलमान की भाषा बोलेंगे और लड़ाने का भाषा बोलेंगे, लेकिन हमारे नेता आए मऊ की धरती घोसी की धरती पे तो सबसे राजभर से टक्कर दे पाएंगे आप लोग? हल्के लोग हैं, हल्के लोगों की बात आप ना करें तो अच्छा ही है। ओम प्रकाश राजभर को आप कैसे जानते हैं? उनकी पहचान क्या है? किसी को गाली देना, अपशब्द देना? ओम प्रकाश राजभर जी कोई विकास पुरुष थोड़े हैं। घोसी के उपचुनाव की चर्चा पूरे देश में है, ऐसे में हम घोसी में पहुंचे हैं और ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसे में हमें अखिलेश यादव के एक जबरा फैन मिले हैं जो अखिलेश यादव का टैटू बनवाए हैं। अब तक आपने देखा होगा कि लोग भोजपुरी फिल्मों के जो हीरो होते हैं, हीरोइन होते हैं, बॉलीवुड फिल्मों के हीरो होते हैं, हीरोइन होते हैं, खेसारी लाल पवन सिंह का टैटू आपने देखा होगा, लेकिन आज हम आपके अखिलेश यादव का जबरा फैन दिखाते हैं जो अखिलेश यादव का टैटू बनवाया है। बहुत बहुत स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके माध्यम से जितने देख रहे हैं सभी लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप अखिलेश यादव जी का टैटू बनवाए हैं, क्या कारण रहा कि आपने सिर्फ अखिलेश यादव जी का ही टैटू बनवाया? बहुत सारे लोग भोजपुरी फिल्मों के हीरो का टैटू बनवाते हैं। माननीय श्री अखिलेश यादव जी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, जिसको जो पसंद करता है उसका वो टैटू बनवाता है। मीडिया, सोशल मीडिया का जमाना है, वो बनवाता है। मैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी को लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, उनके काम को पसंद करता हूँ, समाजवादी पार्टी को पसंद करता हूँ, समाजवादी पार्टी के विचारधारा को पसंद करता हूँ, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की विचारधारा को पसंद करता हूँ, लोहिया जी के विचारधारा से मैं पसंद करके बनवाया हूं। टैटू दिखाइएगा किस तरह से भाई ओम भाई सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। जब से पता चला है कि ओम यादव ने अखिलेश यादव का टैटू बनवाया है, तब से इन्होंने सोशल मीडिया पर भी धमाल मचा दिया। अच्छा भैया, भाजपा लगातार हमलावर रहती है, कहती है सपा गुंडों की पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी है, आप उनकी इतनी तारीफों की पुलंदियां बांध दिए हैं। अगर हम तारीफ की पुलंदियां बांध रहे हैं तो क्या गलत बोल रहे हैं? सुनने वालों को पता नहीं है कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, कामों का जाल बिछा दिया है, सड़कों की जाल बिछा दिया है। आज हमारी सरकार को गए हुए 6 साल होने जा रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे शेर का काम बोल रहा है, आज भी हमारे शेर इसी मऊ की धरती घोसी की धरती पर आकर दहाड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम किया है। जिनके पास काम ही नहीं हो क्या बोलेंगे? वो हिंदू मुसलमान की भाषा बोलेंगे और लड़ाने का भाषा बोलेंगे, लेकिन हमारे नेता आए मऊ की धरती घोसी की धरती पे तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी पे उन्होंने बोला, टाइम देने का काम किया, घोसी पे बोला, और हमारे नेताजी मऊ को और घोसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आज सीएम योगी घोसी में है, तो क्या कहना चाहेंगे कि परिवर्तन होगा, जनता का मूड बदल सकता है? आना भी चाहिए, है भी सही बात है। जब पूरी टीम, पूरे मंत्री, पूरे दोनों उप मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री क्यों बचे? वो भी आ लें, वो भी देख लें, ये तो वोट तो जिताना घोसी की जनता को है ना, आकर के वो अपील आना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है तो आना भी चाहिए। इतने बड़े सूबे के वो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, माननीय हैं, क्यों ना आए, आकर के वो भी आग्रह अनुरोध करेंगे। लेकिन लाइक और पसंद और वोट जनता को देना है, घोसी की जनता को देना है। किसको सदन तक भेजने का काम करेगी ये घोसी की जनता बहुत जानती है। ओम प्रकाश राजभर घोसी चुनाव में बड़े चर्चा में है, वो अपनी पूरी ताकत लगा दिए हैं दारा सिंह चौहान को जिताने के लिए, पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि हम दारा सिंह चौहान को जिताएंगे, और तमाम तरह के बयान, क्या कहना चाहेंगे? ओम प्रकाश राजभर से टक्कर दे पाएंगे आप लोग? हल्के लोग हैं, हल्के लोगों की बात आप ना करें तो अच्छा ही है। ओम प्रकाश राजभर को आप कैसे जानते हैं? उनकी पहचान क्या है? किसी को गाली देना, अपशब्द देना? ओम प्रकाश राजभर जी कोई विकास पुरुष थोड़े हैं। दो काम का नाम बता दीजिए। लेकिन किस राजभर समाज के नेता कहते हैं हमने राजभरों के लिए बहुत कुछ किया है। क्या किया है राजभर समाज के लिए? किसी 50 लड़की का शादी बता दीजिए जो राजभर समाज की शादी कराए हो। 5-2 विधायक बता दीजिए जो राजभर समाज को विधायक बनाए हैं, 18 टिकट मिला था। क्या नेता बनते हैं? नेता बनते हैं, वोट लेते हैं, लेकिन हक अधिकार नहीं देते हैं। ओम प्रकाश राजभर खुद यादव, माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की बनाए हुए आरक्षण पे वो विधायक हैं, और कहते हैं कि यादव की 4 बार सरकार थी, क्या दिए, यादव की देन है कि वो विधायक बन रहे हैं। अब तो अखिलेश यादव को सैफाई भेज रहे हैं, कह रहे हैं अखिलेश यादव को सैफाई भेज देंगे, अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अरे वो मठ पे भेजते भेजते थक गए,
भीख की ट्रेनिंग मंगवाते मंगवाते खुद भीख मांगने लगे, तो आप सैफई क्या भेजेंगे? वही तो कह रहे हैं, जो उनको आगे बढ़ाया उनको अनाप शनाप बोल रहे हैं। बड़बोलापन है उनके अंदर और समाज को लड़ाने का उनके अंदर विचार है और अपशब्द बोलने का विचार है। आज ओम प्रकाश राजभर जी को देश प्रदेश में लोग जान रहे हैं, तो ये भी एक संदेश जा रहा है कि वही ओम प्रकाश राजभर जो लगातार अनाप शनाप अपशब्द बोलने का काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं गिरी हुई नजरों से लोग देखते हैं। ओम प्रकाश राजभर लगातार यादवों को टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यादव की बुद्धि 12 बजे खुलती है, यादव अब कभी नेता नहीं बन पाएंगे। जानबूझ के वो टारगेट कर रहे हैं यादवों को, जानबूझ करके। एक बार उन्होंने टारगेट किया सबसे पहले कि सैफई भेजने का काम करेंगे, दूसरी बार उन्होंने टारगेट किया, तीसरी बार टारगेट किया, लेकिन यादव समाज अब जान चुका है सियाही कांड फेल होने के बाद ये लोग जातिवाद कार्ड खेल रहे हैं, यादव समाज पे लगातार टिप्पणी कर रहे हैं ताकि कोई यादव समाज का रहा लड़का या कोई नेता आकर के कुछ ऐसा शब्द बोल जाए जिससे राजभर समाज को बुरा लगे और राजभर समाज इन लोगों को वोट देने का काम करे, सदन तक भेजने का काम करे और फिर ये लोग सदन में जा करके घोसी के राजभर समेत सभी जनता को भुला जाने का काम करें, ये कार्ड खेल रहे हैं ये लोग। ओम प्रकाश राजभर अपने ही जाति के लोगों को पेकड़ बताया है, बताइए इससे बड़ी क्या चीज है? मैं बता तो रहा हूँ, वो अपने जाति ने अपने माँ बाप तक को बोल रहे हैं, सवाल खड़ा कर दिए हैं। राजनीति में आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वो क्या बोल देंगे, क्या कर देंगे, ओम प्रकाश राजभर जी खुद नहीं जानते हैं, अपशब्द बोला करते हैं। ये बहुत उनके लिए आने वाले समय में बहुत भारी पड़ेगा किसी को गाली देना। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को उन्होंने क्या नहीं कहा, किसी नेता ने नहीं कहा होगा। समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, बीएसपी इतनी बड़ी पार्टी है, सर चुनाव हार गई लेकिन अब शब्द बोलने का काम नहीं किया, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी। लेकिन यही ओम प्रकाश राजभर जी, उनको क्या नहीं कहा, कहा कि गुजरातियों को गुजरात भेज देंगे, बाजा बजा देंगे, देखते जाइए ना इस भाजपाइयों को चापेंगे कि चिंगूर जाएंगे, देखते जाइए भाजपाइयों को गंगा जी में डुबा डुबा के मारेंगे, ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था। अब तो सफाइयों के लिए कह रहे हैं बातें, तो ये बताइए। और अभी आगे आगे उनकी घर की पार्टी उतनी उनकी पार्टी पोड़ नहीं है कि अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ लें। आने वाले समय में वो कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन उनकी मुहाल और उनकी स्थिति ये बन गई है कि अब आने वाले समय में उनको कोई लेना नहीं चाहेगा। ओम प्रकाश राजभर को आपका एक साथी नवरतन यादव एक चैलेंज दे रहा है। बिल्कुल चैलेंज दे रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, 5,000 रुपए और एक मोबाइल दे रहा है, उसके पास तो उतना दम है, इनको इतना विश्वास है तो दम उठा लें, उसका चैलेंज स्वीकार कर लें। ये जानते हैं कि दारा चौहान चुनाव हार जाएंगे और अनाप शनाप बोल करके दारा चौहान को चुनाव हराने का काम कर रहे हैं। इनको मालूम होता कि अगर घोसी का चुनाव हमारे पक्ष में है तो अपने बेटे को लड़ाने का काम करते। दारा सिंह चौहान जी तो MLA थे घोसी से, आखिर MLA लड़ने की जरूरत क्या थी फिर दोबारा? अच्छा, आप लोग की पार्टी से थे, आप लोग ही ने जिताया, अब आप लोग ही कह रहे हैं कि वो बाहरी है। आप लोग ही कह रहे हैं कि वो बाहरी है। जी बिल्कुल, क्यों कह रहे हैं? उस बार क्यों यही जनता उस बार क्यों ये नहीं सवाल उठाई? उम्मीद था, आशा था कि सरकार बनने वाली है, जाएंगे तो काम करेंगे, यहाँ की जनता ने उनका सम्मान किया, लेकिन उन्होंने क्या किया? घोसी की जनता के सम्मान को ठुकरा देने का काम किया, इस्तीफा देने का काम किया, लात मार देने का काम किया घोसी को। इसलिए घोसी की जनता ने मन बना लिया है कि घर को लाल को जिताना है, सुधाकर सिंह को जिताना है, साइकिल का बटन दबाना है, वही साइकिल वाला जो इस पेड़ के नीचे नींब के नीचे 24 घंटा मिलता है। दारा सिंह चौहान जीतने के बाद लखनऊ और आजमगढ़ भाग जाएंगे, लेकिन सुधाकर सिंह 24 घंटा यहीं मिलेंगे। अगर एक आध दो दिन कहीं चले भी जाएंगे सदन में बना देने के बाद सदन जाएंगे तो एक दो दिन के बाद यहीं आएंगे और 24 घंटा मिलते हैं, खड़े मिलते हैं, विधायक से आप भेंट कर लेंगे। तभी हम खास बातचीत कर रहे थे टैटू से वायरल होने वाले ओम यादव जी से, जो लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। हम लगातार आपको ग्राउंड जीरो से घोसी कवरेज दिखा रहे हैं। प्रमोद गुप्ता, जय भारत मऊ।